हाय फ्रेंड्स, आज एक एकदम अच्छा केस डिस्कशन करने वाले हैं इस कपल के बारे में। ये कपल का शादी हुआ है को 5 साल हुआ है। इसके बाद में इन्होंने एंडोमेट्रियोसिस की एक सर्जरी करवाई है। सी गाइस, प्रॉब्लम ये होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी अगर आप कोई एक्सपर्ट के पास में नहीं करवाते तो थोड़ा बहुत डिसीज अंदर ही छूट जाता है जानबूझ के। उतनी टेक्निकल एबिलिटी नहीं रहती है सब डॉक्टर्स में, तो वो लोग ऑपरेशन करने के बाद में आपको बोल देते हैं कि अंदर से बहुत चिपका हुआ था, सब कुछ बराबर से दिख नहीं रहा था, तो हमने ये सिचुएशन में सोचा है भाई कि हम ऐसा कुछ करेंगे, यू नो, गिव यू इंजेक्शंस, डायनोजेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। बेचारे पेशेंट ने 1 साल के लिए वो लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनको बोला गया था कि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद एंडोमेट्रियोसिस चला जाएगा। वो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, करेक्ट। बेचारे ने ट्राई किया 6 महीना 7 महीना, नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं बैठा था। इसके लिए दे डिसाइडेड कि ठीक है यार, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम लोग IUI करके देखते हैं। IUI क्या होता है, वी ऑल नो दिस, हस्बैंड का स्पर्म लेके एक टाइम्ड डे के अंदर वाइफ के यूट्रस के अंदर डाल देना। दे फेल्ड 4 IUI साइकल्स। 4 IUI साइकल्स फेल होने के बाद में, ये सब खत्म करने के बाद में, देवर रेफर टू आवर क्लिनिक। तो ये सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, When somebody comes with this type of a history, इन patient के लिए unfortunately treatment of choice हो जाता है IVF, क्योंकि इसके पहले का सब treatment खत्म करके आए हैं। Alright? Now, इन लोगों ने IVF attempt किया। IVF में दोस्तों ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको endometriosis है, post endometriosis IVF, जब कभी भी आप attempt करते हो तो उसके बाद में जो pregnancy रुकने का जो chance है, that goes down by around 5-8%. तो इनका चांस थोड़ा कम हो गया, दे हैव अराउंड 30% सक्सेस रेट। भगवान की कृपा से इन द फर्स्ट साइकिल विच दे अटेम्प्टेड IVF करने के टाइम पे, इन दैट साइकिल इटसेल्फ कपल के 4 एम्ब्रियो बने थे। 2 एम्ब्रियोज स्टार्टिंग में हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर करके देखे, दोनों एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने के बावजूद दे डिड नॉट बिकम प्रेग्नेंट, बट दे हैड फॉर्चुनेटली 2 मोर ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज, जिसको हम बोलते हैं Day 5 एम्ब्रियोज पेंडिंग। इसके बाद में उन्होंने ये 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर किया ऑन अ वेरी गुड लाइनिंग। जब हम लाइनिंग की बात करते हैं, सिंपल चीज है, लाइनिंग शुड बी बिटवीन 7-9 मिलीमीटर्स। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद में दे हैड अ बीटा HCG वैल्यू ऑफ 333। ओके, दैट्स अ गुड वैल्यू, बट ये वैल्यू डबल होना चाहिए। इनका वैल्यू प्रोग्रेसिवली अच्छा गया एंड करंटली दे आर एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब 7 महीने प्रेगनेंसी को पूरा हो चुके हैं। ये खुशी का बात नहीं है दोस्तों, खुशी का बात तब रहता है जब इनका डिलीवरी होएगा 36 वीक्स के बाद में। दैट मीन्स 37-38 वीक्स पे अगर ये पेशेंट ने डिलीवरी किया, तब जाके एक सक्सेसफुल ऑब्स्टेट्रिक आउटकम इस पेशेंट का निकलेगा एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट। ठीक है, ये केस डिस्कशन के द्वारा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ब्रीफ में, फास्ट में कवर कर दिए हैं। नाउ इसको रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस है, एड ऑन्स है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।